नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केलकर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और अकोला में एज अ साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज जो मैं वीडियो बताने वाला हूँ उसका नाम है बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन, जिसको साइंटिफिकली हम बोलते हैं नॉक्चुर्नल एन्यूरेसिस। बेसिकली बेड वेटिंग क्या है? बेड वेटिंग एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे अपने कपड़ों में रात को नींद में पेशाब करते हैं, उसको बोलते हैं बेड वेटिंग। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे यहाँ आते हैं और बोलते हैं कि हमारे बच्चे कपड़ों में नींद में पेशाब करते हैं और वो हम समस्या से जूझ रहे हैं, हमको बहुत तकलीफ हो रही है उसके वजह से। ऐसे लोगों को इम्पॉर्टेंट है कि उनके साथ बैठना, उनसे चर्चा करना और एग्जैक्टली हिस्ट्री लेना कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। देखो होता क्या है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब जेनेटिकली भी हो सकता है। दूसरा, ये हैबिचुअल डिसऑर्डर है, मतलब हैबिट के कारण अगर बराबर आदत लगाई नहीं गई, टॉयलेट ट्रेनिंग दिया नहीं गया तो ये बच्चों को होता है। इसके बहुत सारे कारण भी हैं और अलग अलग प्रकार के। अगर घर में तनावपूर्ण वातावरण हो, अगर बच्चे कोई हॉरर पिक्चर देख रहे हो और फिर सो रहे हो, बहुत सारे चेंजेस चालू है अगर लाइफ में, स्कूल बदल रही है, बड़े भाई या छोटे बहन के साथ झगड़ा हो रहा है, पेरेंट्स का झगड़ा हो रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर है, अगर कुछ नई नई घटनाएं या टेंशन भरा वातावरण या वॉयलेंट वातावरण अगर घर में हो रहा है तो उसके वजह से भी नॉक्चुर्नल एन्यूरेसिस यानी बेड वेटिंग हो सकता है। इसमें सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स इसमें ये होते हैं कि रात को नींद के बाद लगभग एक या दो बच्चे कपड़ों में नींद में पेशाब कर डालते हैं और जब सुबह पेरेंट्स उठते हैं तो उनको पूरे कपड़े गीले दिखते हैं। उससे होता क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस या इम्पैक्ट क्या है? उसके इम्पैक्ट यह है कि पेशेंट का, मतलब बच्चे का जो मनोबल है, जो धैर्य है, जो कॉन्फिडेंस है, वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। पेशेंट को ये लगने लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊँगा और फिर हर क्षेत्र में उसका इम्पैक्ट दिखने लगता है। जैसे पढ़ाई वो अच्छे नहीं कर पाता, फ्रेंड्स के साथ अच्छे से डील नहीं करता, व्यवहार नहीं कर सकता, पेरेंट्स के साथ थोड़ा दबा दबा रहता है और उसको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है पेरेंट्स की, पेरेंट्स ने सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है इसमें कि बच्चों में कुछ भी हो, अगर कितनी बार भी पेशाब करे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स ने धीरज रखना है, पेरेंट्स ने पेशेंस रखना है। क्रिटिसिज्म, बच्चों को गाली देना, तू तो गधा है, तू तो मूर्ख है, तुझे कुछ नहीं समझता, तुझे तो भगवान से ही बुद्धू बनाया है, भगवान ने ही बुद्धू बनाया है, ऐसा अगर बोला रिपीटेडली तो पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो धराशायी हो जाएगा। अब आते हैं ट्रीटमेंट की ओर। सबसे इम्पोर्टेंट ये है ये देखना कि कोई ऑर्गेनिक कारण तो नहीं है, ब्रेन में या स्पाइन में या कहीं यूरिनरी ब्लैडर में कुछ ग्रोथ तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं है, वो ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। वो रेयरली हो सकता है लेकिन वो ढूंढना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो हमने रूल आउट कर दिया तो सबसे इम्पोर्टेंट हमको ये देखना ज़रूरी है कि ये कोई ये अगर कि क्या बच्चे को फीट तो नहीं आ रही है। बहुत सारे केसेस में बच्चे को फीट आ जाती है रात को नींद में और उसके कारण भी पेशाब हो जाती है, बेड वेटिंग कर देता है बच्चा, तो उसके लिए ईईजी निकालना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे हमको ये मालूम पड़ेगा कि क्या ये फीट की बीमारी तो नहीं है। ये जब हम रूल आउट कर देते हैं तब बचता है बेड वेटिंग। बेड वेटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम इमिप्रामीन नाम की एक दवाई है जो 25 मिलीग्राम बच्चों को देते हैं रात को नींद के पहले, वो देने के कारण ये जो पेशाब का जो प्रॉब्लम है वो रुक जाता है। नंबर दो, ट्रेनिंग। हम ये बताते हैं कि शाम को 7 या 8 बजे खाना और पानी पूरा कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद खाना और पानी कम से कम देना है, रात को जो लिक्विड चीज़ है कॉफ़ी चाय वो कम कर देनी है। रात को 11, 11:30 बजे जब बच्चा सोता है उसके पहले बच्चों को टॉयलेट में लेके जाना और टॉयलेट में आराम से पेशाब कराना है और बाद में बच्चों को सुलाना है। यूजुअली ऐसा पाया गया है कि लगभग रात को 1 बजे बच्चा कपड़ों में पेशाब करता है, तो 12:45 बजे मतलब 12:45 AM को पेरेंट्स ने बच्चों को उठाना है, पूरी तरह उनको जागा करना है और उनको लेके जाना है और फिर से पेशाब करनी है 12:45 1 के लगभग। उससे होगा क्या, जो हैबिट बन गई है उसको रिवर्स करेंगे, हैबिट रिवर्सल करेंगे और ऐसा हमको लगभग 3 महीना करना पड़ेगा कंटिन्यू बिना रोके।
अगर 1 बजे उठाने के बाद फिर भी बच्चा अगर पेशाब करता है तो इसका मतलब एक लगभग 3-4 बजे बच्चा फिर पेशाब कर रहा है। तो हमको वापस 4:15 बजे या 3:30 बजे फिर से पेरेंट्स को उठना पड़ेगा, बच्चों को उठाना पड़ेगा पूरी तरह से और उनको लेके जाना पड़ेगा टॉयलेट में और टॉयलेट करनी पड़ेगी। ऐसा हमको रेगुलरली सिंसियरली फॉलो करना है लगभग 2 से 3 महीने। 3 महीने क्यों? क्योंकि 3 महीने लगते हैं कोई भी हैबिट को चेंज करने के लिए। उसके बाद है अलार्म सिस्टम। अलार्म सिस्टम मार्केट में आई है जिसको डायपर के जरिए अटैच करते हैं हम, और अगर बच्चों ने पेशाब किया तो अलार्म बज जाता है तुरंत, और पेशेंट को बच्चे को ये समझता है कि अलार्म बज गया मतलब मुझे पेशाब करने जाना है। तो ये भी अच्छी एक टेक्निक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट थेरेपी, जिसको हम स्टार चार्ट मेथड बोलते हैं। अगर बच्चा 7 दिन तक लगातार पेशाब नहीं करता है तो पेरेंट्स इसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे, छोटा बड़ा जैसे भी जो भी पॉसिबल हो। अगर पेशेंट लगभग पूरे 1 महीना पेशाब नहीं करता तो उसको और बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। और पेशेंट अगर बच्चा अगर 3 महीना कंटिन्यू पेशाब नहीं करता तो उसको सबसे बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बच्चा है उसको ध्यान में आएगा कि अगर हम पेशाब नहीं करते हैं कपड़ों में रात को तो हमें कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलता है। और जब हमको तो पता ही है जब रिवॉर्ड मिलता है तो वो जो परफॉर्मेंस है पेशाब न करने का जो परफॉर्मेंस है वो बार बार रिपीट होने लगता है। तो ऐसी प्रकार की पूरी ट्रीटमेंट नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस की है। अगर आपके आजू बाजू घर पे कोई भी पेशेंट रहा तो हमें ज़रूर बताइए, हमें कॉन्टैक्ट करिए। मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक मैं जल्दी आऊँगा। धन्यवाद।